अगर आप कर रहे हैं इन समस्याओं का सामना, तो घी से बनाएं दूरी। वैसे तो घी में मौजूद हेल्दी एसिड आंतों को मजबूत बनाने के अलावा स्किन की जलन और सूजन को कम करता है, मगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करें तो घी के सेवन से परहेज करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। घी लंबे समय से भारतीय खानपान का हिस्सा बना हुआ है। ज्यादातर लोग घरों में इसे कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि परांठे बनाने में, सब्जी में, तड़का लगाने में। वैसे तो घी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खास तौर से गाय का घी हो तो। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप सीमित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है, साथ ही ये शरीर को ताकत भी देता है। वहीं घी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, जिसके कारण खून में शुगर रिलीज होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसमें मौजूद हेल्दी एसिड आंतों को मजबूत बनाने के अलावा स्किन की जलन और सूजन को कम करता है। कहते हैं घी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है। हालांकि जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि फैटी लीवर या फिर गैस का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें घी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घी का सेवन करना पेट के स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है। ऐसे लोगों को घी खाना बहुत पसंद हो तो वे सीमित मात्रा में इसे खाएं। सर्दी खांसी होने पर कहते हैं कि घी का अधिक सेवन करने से बॉडी में कफ बढ़ने लगता है। ऐसे में जो लोग सर्दी खांसी की समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें कुछ दिनों तक घी नहीं खाना चाहिए। बुखार के दौरान घी खाने से स्वास्थ्य संबंधी अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस सिचुएशन में डॉक्टर की सलाह पर ही घी का सेवन करें। प्रेग्नेंट महिलाएं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर प्रेग्नेंट महिला घी का सेवन सही मात्रा में करती है तो ये महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। घी में मौजूद पोषक तत्व गर्भ में पल रहे बच्चे के बेहतर विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। दादी नानी भी प्रेगनेंसी में घी से बनी चीजों को खाने की सलाह देती हैं। वैसे अगर गर्भवती महिला को सर्दी लगी हुई है या फिर लूज मोशन हो गए हैं तो ऐसे में उसे घी नहीं खाना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में घी खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे D5 चैनल हिंदी के साथ।